हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूके का जो नॉर्थ सी ड्रिलिंग है वो कुछ हद तक जो है एनवायरमेंटल कंसर्न जो है उसको रेज कर रही है। तो मेन इशू क्या है यहाँ पे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली नॉर्थ सी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो ड्रिलिंग किया जा रहा है ये क्यों ड्रिलिंग किया जा रहा है, इसके क्या क्या एनवायरमेंटल कंसर्न है, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे यूके को कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जा सके। तो देखिए फ्रॉम GS3 के जो एनवायरमेंटल साइंस पेपर है उस टॉपिक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ प्लान किया है कि कुछ फ्रेश फॉसिल फ्यूल जो है उसके लिए ब्रिटेन के कोस्ट में जो नॉर्थ सी है उसको ड्रिल करना है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे डिबेट जो आ चुकी है कि एक तो यूके जो है एंडोर्स करती है कि क्लाइमेट चेंज जो है 2050 तक जो है अचीव कर लेगी, सॉरी क्लाइमेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो नेट जीरो जो एमिशन जो है उसको जो है 2050 तक अचीव कर लेगी। नहीं, फिर भी यहाँ पे जो स्टेप लिए जा रहे हैं कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के द्वारा डिबेट की इशू बनी हुई है कि ऐसे सिचुएशन में जब पूरे दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है तो ऐसे में क्या ऐसे ड्रिलिंग से जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना है क्या इम्पैक्ट कर सकती है, या फिर यूके के जो कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट जा सकती है। तो इसी के ऊपर पूरी बात चल रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये नॉर्थ सी है कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो है यूके का मैप, जो इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ सी लोकेटेड है, उसके ऊपर जो है अटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो मेनलैंड यूरोप को जो यहाँ पे यूके से डिवाइड करती है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, और उसके ही साथ में जो है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल के बारे में आपने सुना ही होगा, समंदर के नीचे जो इंग्लैंड से फ्रांस जाया जाता है, एक रेलवे ट्रैक भी है इस इंग्लिश चैनल में ही लोकेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ सी के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में आपको ऐसे प्रश्न जो है जो न्यूज़ में आ चुकी है पूछे जा सकते हैं कि कौन से कंट्री के साथ लोकेटेड है ये, कनेक्टेड है फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे और उसके साथ स्वीडन, इन कंट्रीज के साथ जो है नॉर्थ सी कनेक्टेड है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको मैप में भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके जो नॉर्थ सी ड्रिलिंग की इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो 1958 में जब जिनीवा कन्वेंशन हुआ था ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेजिस्लेशन लाया गया था कि जो भी कंट्रीज है उनके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो उनके कोस्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है तो उस कंट्री की राइट है कि वो अपने जो कोस्ट लाइन में कुछ भी अगर ड्रिलिंग करना है उसमें ऐसे ड्रिलिंग करें, ये उनके राइट होती है। और उसी के हिसाब से जो यूके ने यहाँ पे अपने कुछ कुछ स्टेप्स भी लिए थे। बाद में 1964 में यूके के पार्लियामेंट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट जो है लागू कर दिया गया, जैसे कि भारत में अलग अलग एक्ट होते हैं तो यूके ने भी अलग एक एक्ट पास किया था। तो इसमें कहा गया था कि जो गैस रिसोर्सेस और ऑयल की अगर कुछ ड्रिलिंग करनी है तो वो यूके के पास यूके के जुरिसडिक्शन के अंदर आती है। तो इसी के दौरान जो है 1964 में ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है, जैसे कि हमारे भारत पेट्रोलियम उनके पास भी ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उनको पहली बार जो है लाइसेंस मिला था 1964 में ताकि वो ड्रिल कर सके। तो उसके बाद 1964 में जब उनके कोस्ट लाइन में जो है नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने उसको ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में कुछ ही टाइम के बाद जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम जो एक्चुअली कोलैप्स कर गई थी और सी जेम ड्रिलिंग भी 1965 इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा एक हिस्ट्री बोलेंगे आप यहाँ पे जो नॉर्थ सी में ड्रिलिंग करने की यूके के यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो देखिए यहाँ पे यूके जो अभी फिलहाल ऐसा ड्रिलिंग के बारे में सोच रही है तो क्यों सोच रही है। तो पहली बात है कि 2050 तक जो है यूके ये कमिटमेंट दे चुकी है कि नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगी, यानी कि जितना एमिशन करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी ताकि नेट एमिशन जीरो हो सके। इंडिया ने भी अलग अलग स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यूके की जो एनर्जी नीड्स है उनमें से लगभग क्वार्टर यानी कि लगभग 25% फिर भी जो है ऑयल और नेचुरल गैस से फुलफिल करनी पड़ेगी।
तो इसी दौरान जो है यूके यही सोच रही है कि अगर हम लोग को खुद से डिपेंडेंट होना है तो हम लोग को ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे। तो अभी फिलहाल अगर बात करेंगे नेट जीरो एमिशन के बारे में, जब 2050, तो 2050 के हिसाब से जो टारगेट लिया गया है, ये स्टेप जो है उसमें उसके अगेंस्ट माना जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया जो है अलग अलग स्टेप ले रही है, और सच डेवलप्ड कंट्री वो अगर ऐसा स्टेप लिए जो फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग को प्रमोट कर रही है, तो ये अलग अलग डिबेट का एक जो है टॉपिक बना हुआ है। तो एक चीज़ देखिए कि क्लाइमेट चेंज कमेटी ने एक मार्च 2023 में एक रिपोर्ट लाया गया था कि यूके जो है अभी फिलहाल प्रिपेयर्ड नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो भी स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स नहीं ले रही है या फिर प्रिपेयर्ड नहीं है, और ये जो है उनके सेकेंड नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम में एक्चुअली मेंशन किया गया था। तो ऐसे डेवलप कंट्री को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को जो है प्रमोट कर सके। दूसरी बात है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न अगर ऐसे ड्रिलिंग से हो तो क्या क्या हो सकती है। एक तो देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग में जब ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को जो है अगर यहाँ पे ड्रिल करके लाया गया, तो किसी प्रॉब्लम्स के वजह से ऑयल स्पिल भी हो सकती है, उसके वजह से जो मैराइन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ पे जितने भी मछली है मैराइन एक्वेटिक एक इकोसिस्टम है वो तबाह हो सकती है, उसके वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे जो भी कोरल रीफ है यहाँ पे जो भी बीचेस है वो एक प्रॉब्लम्स आ सकती है वहाँ पे। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे अगर स्टेप्स लिए गए रिन्यूएबल एनर्जी से हट के, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है कि आप लोग को जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे भटक के किसी दूसरे डायरेक्शन में जाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे रिसोर्स डिप्लेशन भी हो सकती है यहाँ पे, और नेक्स्ट अगर ऐसे सिचुएशन में जो पानी है वो पानी एसिडिफाई भी हो सकती है, जिसके वजह से और भी लार्ज कास्केडिंग इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी आपको जो है ऐसे सिचुएशन में प्रिपेयर करने होंगे। तो एक चीज देखिए कि क्लाइमेट चेंज की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस एक कंट्री करेंगे और दूसरे कंट्री नहीं करेंगे, ये उससे एक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यूके का ये जो एक एंडोर्समेंट है ये एक कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है, कि एक तो आप बता रहे हैं कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज से जूझना चाहिए, हम लोग नेट जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ड्रिलिंग जो है एक यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम कर रही है, ताकि यूके अपने एनर्जी सिक्योरिटी चाहती है कि खुद से ही अपने एनर्जी को जो है प्रोड्यूस कर सके, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी आती है, और उसके साथ जो है एनवायरमेंटल इम्पेक्ट का भी बात उन लोगों को सोचना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए पूरे दुनिया जिस हिसाब से जूझ रहे हैं, तो ऐसे कंट्रीज को जो है बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेनी होगी ताकि जो सस्टेनेबल फ्यूचर को हम अचीव कर सके। तो पूरे दुनिया के सभी कंट्रीज को एक साथ मिलके आना पड़ेगा, कोई कंट्री कर रही है कोई कंट्री नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मान ले कि जो ब्राजील के अमेजोन रेन फॉरेस्ट को जब जलाया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए कंट्रीज को एक साथ मिलके आना पड़ेगा। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधे सवाल ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे पॉइंट को हाईलाइट करेंगे आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग यूके इज नॉट सी ड्रिलिंग, जो काफ़ी हद तक जो है कुछ कुछ डिबेट का इशू बना हुआ है कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।